अस्सलाम वालेकुम, है गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं दफ्तर में आ चुका हूँ और यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने नाश्ता नहीं किया और मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई नाश्ते वाली जगह जाके नाश्ता करते हैं। मैं तलाश कर रहा हूँ कोई दूध दही वाली दुकान होना, वहाँ से लस्सी बना के पी जाए। और रोज़ाना रोज़ाना नान चने नाश्ता करके आता हूँ और अब दिल है कि दही बनाने की ज़रूरत है। दही लस्सी, वो एक दुकान नज़र आई तो है, वहाँ से फिर जाके लस्सी बनवाते हैं और वो पीते हैं। तो नाश्ता कर लिया मैंने, नाश्ता करके मैं दफ्तर जा रहा हूँ। अब लस्सी बनी खाया है। गर्मी में ना दही और लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। बाहर मैं ठीक से ना वीडियो बना नहीं पाया, बच्चे देख के बाबा जी सियालकोट, बाबा जी सियालकोट कर रहे थे। अब फैसलाबाद में और पाकिस्तान में जो है ना, वो ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं कि कोई सरेआम जो है वो वीडियो बना रहा हो ऐसे, तो वो देख के हंसते हैं। तो मैंने ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि मैं ना कोई ऐसी जगह ढूंढूँ जहाँ पे मैं अकेला हूँ, सीढ़ी चढ़ूँ, सांस फूलूँ। तो वो लोग जो देखते हैं ना, वो देख के फिर हंसने शुरू हो जाते हैं। उनको क्या पता कि फैसलाबाद का, पाकिस्तान का एक नया उभरता हुआ सितारा यानी कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे दफ्तर में काम स्टार्ट करते हैं अपना। पैंटें छोटी आ गई हैं, वेस्ट से वेस्ट दोनों की छोटी है। अभी कल लेकर आया हूँ, अभी फिर दोबारा जाना पड़ रहा है चेंज करने के लिए। आज जो है वो दोबारा मुझे कोहिनूर प्लाज़ा में आना पड़ा। आज देखें आप लोगों को रोशनी नज़र आ रही होगी, मैं पैंटें अपनी चेंज करवाने के लिए आया था। दोनों पैंटें ही मुझे छोटी लगी, मैं घर जाके जो है वो चेक की, दोनों छोटी निकले। अभी आके दोबारा चेंज करवा के जा रहा हूँ। आज तो पूरी मार्केट खुली हुई है भाई। अभी टाइम भी मेरे ख्याल 9 बजे ईशा की अजानें हो रही थी जब हम लोग निकले हैं। आते ही घर मैंने सबसे पहले जो है ना वो अपना ये काम किया, पैंटें उठाई अपनी और घर से निकल आया मैं कि जाके पैंटें चेंज करवा के आते हैं, दुकान ना बंद हो जाए। वैसे तो सुबह का ऑफ था मेरा, मैंने कहा कि रात को ही करवा के ले चलते हैं, क्योंकि सुबह किसने देखी, संडे है, एक तो देर तक सोया रहूँगा फिर दिल नहीं करेगा आने का। तो अच्छा है अभी चेंज करवा लिए, सुबह पहनूँगा। तो अब घर जा रहे हैं, घर क्योंकि मैं ज़्यादा देर रुका ही नहीं, थोड़ी देर आते ही मैं ना फ़ौरन निकल आया। तो ये जो है वो मैं दो पैंटें लेकर आ गया हूँ चेंज करवा के। एक दोनों कॉटन में थी पहले, एक मैं अब जीन्स में ले आया हूँ। ये दोनों छोटी थी, एक ये वाली कॉटन में है और ये वाली जो है ये जीन्स में, आप लोगों को पता चलो। इसके साथ कि मेरे पास पहले भी एक पड़ी हुई है, लेकिन खैर चलो सेम कलर में एक और आ गई। बेल्ट मेरा टूट गया था, ये मैंने बेल्ट खरीदा, ये न्यू डिज़ाइन आया था। वो मेरी एक परेशानी जो है वो बड़ी बहुत बड़ी ख़त्म हो गई है कि मेरे जो है ना चेंज करवाने थे वो वाले जो है वो अब मैं चेंज करवा के आ गया हूँ ईजीली आराम से। तो अब जो है वो सुबह मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगा। हो सकता है सुबह पहनूँ या सुबह ही पहनूंगा, क्योंकि ये दो दिन तो हो गए, जुमा और आज मशीन लगी हुई थी ना, तो आज मेरे कपड़े सारे धुलने वाले थे। जो बताया आप लोगों को, 5 पैंटें मेरी जो है वो फट चुकी थी, तो आज जो है वो मजीद पहनने के लिए मेरे पास पैंट नहीं थी, तो इसलिए वरना मैंने नई वाली आज पहन लेनी थी। तो नई वाली तो छोटी निकली, वो चेंज करवानी पड़ी, तो इसलिए जो है ना आज वो चेंज करवा के ले गया हूँ, सुबह पहन के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इस टाइम हम खड़े हुए हैं अलमिज़ान फूड पॉइंट पे, हम लेकर आए हैं अंडे वाला बर्गर। वो बड़ा मज़े का लगता है यार, इनका अंडे वाला बर्गर वैसे ही बहुत मज़े का। किनाल रोड पे है, मौसम जो है वो एक बार फिर खुशगवार हो गया है। अब हम बाहर मोटरसाइकिलों पे निकली भी कैसे शूटर मारते हुए जा रहे हैं, गट्टा मिट्टी उड़ रहा है। तो आज घर में जो है वो खाना वाना बनाया नहीं था। जिस दिन वीकेंड होता है ना, जुमा हो या हफ्ता हो या एतवार, ये 3 दिन में हमारे घर वाले खाना नहीं बनाते कि बाहर से कुछ ना कुछ आएगा। तो आज पहले जो है 2-3 जिंगर बर्गर खाए हैं और अब हम अंडे वाले बर्गर लेने के लिए आए हैं और फ्राइज। ये हम ज़रा साइड पे खुद ही आके खड़े हैं, ये है उनका कैबिन बना हुआ, बहुत मज़े का इनका, ये किनाल रोड पे है। तो ये जो है वो बर्गर तैयार होने लगे हैं हमारे, अब जाके बारी आई है काफ़ी देर के बाद। तो भाई धड़ाधड़ तैयार हो रहे हैं बर्गर, बारी बहुत देर से आती है यहाँ पे। अच्छा जब भी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ ना, बोलने लग जाऊँ, कोई ना कोई गाड़ी स्पीड से साथ पास से गुजर नहीं होती ना। तो बर्गर हमने ले लिए, अब हम लोग जा रहे हैं। दोनों भाई आए हुए थे, मैं और उमर, अपने लिए तो बर्गर ले लिए थे, पर अब्बू जी का पता नहीं, उन्होंने भी खाना खाना था, तो अभी आए हैं यहाँ से अब्बू जी के लिए ना लेग पीस टिक्का जो चीज़ लगवा सके जो है वो ले लिया हमने, टिक्का भी बल्कि वो पीस अब्बू जी का ले लिया। और अब हम लोग घर जाएंगे खाने के लिए। वो मुझे भी बहुत सख्त लग रही है, मैं बर्गर खा लूँगा, अब्बू के साथ बैठ के एक आधी बोटी खींचेंगे अब्बू जी से। अब जो है पहले मैं अब्बू जी के साथ बाहर बैठ के ना उनका पीस वो खा के आया हूँ, और साथ उनका आधा नान और रोटी भी थी उनकी, वो भी मैं साथ खा के आया हूँ। अब टाइम आ गया बर्गर खाने का।
भाई यहाँ से खाना पड़ता है, मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो खा के आपको लोगों को मिलते हैं बाद में। तो खाना वाना खा लिया, बर्गर खा लिया, लेग पीस वो खा लिया, नान खा लिया, रोटी खा ली, कोल्ड ड्रिंक ऊपर से मैंने थोड़ी सी पी ली, हालांकि मैंने पीनी नहीं थी लेकिन थोड़ी सी पी है मैंने ताकि वो हजम हो जाए मुझे। कॉफ़ी मैंने पेट भर के खाना खा लिया। तो आज की व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। यार सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, रुक गए हैं फिर सब्सक्राइब, अच्छे भले चल पड़े थे फिर, लेकिन फिर रुक गए आप लोग। कमेंट करना भी छोड़ गए हो, लाइक करना भी छोड़ गए हो, व्यू ही नहीं आ रहे आप लोग, वीडियो ही नहीं देख रहे। यार सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कमेंट भी कर दिया करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।